दादी के घर एक पार्सल आता है जिसके अंदर रोबोट होता है। दादी रोबोट का बटन दबाकर ऑन करती है और उसको झाड़ू पकड़ा देती है। रोबोट भी घर को साफ करने में लग जाता है। घर के ज्यादातर काम रोबोट ही किया करता था, साथ में वो दादी का भी ख्याल रखता था। रोबोट का भी दादी के साथ टीवी देखना, खाना खाना सब कुछ हुआ करता था। दादी रोबोट को अपने बेटे की तरह ही मानती थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे उन दोनों में एक संबंध सा जुड़ गया था। एक माँ ही है जिसको मशीन से भी लगाव हो जाता है। देखते हैं आज माँ के लिए कितने लोग हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आज 5 जुलाई था, दादी और रोबोट को सर्कस देखने भी जाना था, लेकिन आज दादी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। रोबोट को 2 टिकट भी देती है। रोबोट जैसे ही घर के अंदर से कैप उठाकर बाहर आता है, तब तक दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। रोबोट को भी लगता था कि दादी मेरी तरह ही एक बैटरी की तरह चार्ज होती है, इसीलिए वो रोबोट बहुत सी बैटरी लाकर दादी के पॉकेट में रख देता है। वो दादी को गले लगाकर उनके बगल में चुपचाप बैठ जाता है। कुछ देर बाद रोबोट की भी बैटरी डाउन हो जाती है।